माफियाती का टेरर केवल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक ही सीमित नहीं था, बल्कि प्रॉपर्टी कब्जा करने का उसका धंधा दिल्ली तक फैला था। दिल्ली के पॉश कहे जाने वाले साउथ एक्सटेंशन पार्ट टू में भी उसने एक प्रॉपर्टी पर कब्जा किया था, जिसका जिक्र उसने 2019 में अपने चुनावी हलफनामे में भी किया था। देखिए हमारे संवाददाता पवन नारा की एक रिपोर्ट। अतीक अहमद ने 2019 में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्चा भरा और उसमें एक हलफनामा दिया। हलफनामे में एक प्रॉपर्टी का जिक्र है, A32 साउथ एक्सटेंशन पार्ट टू। हम इसी A32 के सामने खड़े हैं और ये वो प्रॉपर्टी है जिसको लेकर दावा किया जा रहा है हलफनामे में कि ये उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन जब अब मौके पर पहुंचे हैं तो हकीकत ये है कि एक बड़ा प्लॉट है जो 3 अनडिवाइडेड भाइयों में बटा था। उसमें से एक भाई ने अपना हिस्सा फॉर्ज कागजों के आधार पर अतीक अहमद को बेच दिया और अतीक अहमद ने 2006 में अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए यहां कब्जा लेने की कोशिश की। चूंकि ये बड़ी प्रॉपर्टी है, कई करोड़ों की इसकी कीमत है और यहां रहने वाले भी इन्फ्लुएंशियल हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन अब मीडिया के सामने कह रहे हैं कि उस वक्त ना पुलिस ने साथ दिया ना प्रशासन ने साथ दिया और उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। हालांकि अभी वो कैमरे पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाद में बात करने का वादा किया है और बताया कि 2006 में अतीक के गुर्गे यहां AK-47 लाठी डंडों के साथ पहुंचे और कब्जा लेने की कोशिश की। और उसी का हाल है कि जो ये तोड़फोड़ आप देख रहे हैं, ये उसी दौरान तोड़फोड़ की गई थी और आज तक ये प्रॉपर्टी उसी हालात में है। सवाल उठते हैं कि अतीक अहमद ने अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी को अपने बाहुबल के आधार पर न सिर्फ नकली कागजों से खरीदा बल्कि कब्जा लेने की कोशिश की, और इतना ही नहीं, हक से कानूनी हलफनामे में जो कि इलेक्शन लड़ने के लिए देना जरूरी होता है उसमें अपना मालिकाना हक यहां जताया। दावा किया जा रहा है कि 800 वर्ग मीटर उसका है, जिस पर 2 मंजिल का मकान यानी 1600 वर्ग मीटर बना हुआ है। लेकिन अगर ये प्लॉट देखेंगे तो लगभग 250 से 300 गज का ये प्लॉट है और यही अतीक अहमद की मॉडस ऑफ ऑपरेंडी थी कि जहां भी उसे पांव जमाने की जगह मिले, विवादित स्थल हो या अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी हो, वहां वो हिस्सा खरीदता था और उसके बाद बाकी सारे हिस्से पर कब्जा कर लेता था। परिवार बताता है कि खौफ इतना ज्यादा था कि उनके परिवार में क्या होगा, कैसे आगे जिंदगी चलेगा वो नहीं पता था। लेकिन अब जब अतीक अहमद की खबर आई है तो परिवार राहत की सांस ले रहा है। हालांकि परिवार ने मीडिया से बात करने का वादा किया है, एक बार फिर हम इस परिवार के पास आएंगे और बताएंगे कि 2006 में किन हालात में अतीक अहमद ने इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।